तो जब बंदर चढ़ने की कोशिश करता था तो वहां पानी खोल दिया जाता था, खंबा स्लिपरी हो जाता था, फिसलन हो जाती थी, तो बंदर स्लिप होके नीचे आ जाता था। चारों बंदरों ने बहुत प्रयत्न किया कि चढ़ पाए और केले को ले पाए, क्योंकि अब वो भूखे थे, पर चढ़ नहीं पाए उस पर। और यही तो वो देखना चाहते थे कि जब सक्सेस ना पा पाए हम, रुकावट आवे रास्ते में, तो हम क्या करेंगे, इंसान क्या करेगा, देखते हैं ये बंदर क्या करता है। तो बंदरों ने एफर्ट किया पहले दिन, दूसरे दिन बहुत फ्रस्ट्रेशन आया, भूख भी बढ़ गई और बंद केला दिखाई भी दे रहा है, केला राइप भी हो गया, पक भी गया, स्वाद भी दिखता है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। थोड़े दिन, थोड़े टाइम के प्रयत्न के बाद बंदर थक के बैठ गए, जैसे बहुत सारे हम में से लोग थक के बैठ गए, बोल रहे हैं क्या करें। अब कहानी में एक मोड़ दिया गया, एक्सपेरिमेंट में एक मोड़ दिया गया, एक बंदर को बाहर निकाल लिया गया और उसकी बजाय एक नए बंदर को अंदर डाल दिया गया, देखते हैं ये क्या करता है। स्वाभाविक है, जब वो बंदर अंदर आया और इन लोगों को देखा और भूखे बंदरों को देखा और केलों को देखा, तो उसने मन में सवाल किया कि बैठे क्यों, केले तो पड़े हैं, क्या जाते क्यों नहीं हो ऊपर। पर कोई बंदर हिला नहीं वहां से, क्यों? क्योंकि वो कंडीशनड हो चुके थे इतनी एफर्ट करने में कि हम पहुंच नहीं सकते, तुमको नहीं मालूम, मैं नहीं पहुंच सकता, मैंने बहुत ट्राई कर लिया है। यही तो एक बाप कह रहा है अपने बेटे से कि तेरे को नहीं मालूम है, मैंने बहुत प्रयत्न किया है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, तू ऐसा काम मत कर। यही तो मां कह रही है, यही तो सोसाइटी कह रही है, यही तो चाचा बोल रहा है, यही तो ताऊ बोल रहा है। तो वो बड़ा परेशान हुआ बंदर की, भूखे हैं ये तीन लोग और केले पड़े हैं, पके हुए केले, खाते नहीं, उठते नहीं। तो स्वाभाविक दया आ गई उसको, बोला अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं लेके आता हूं केले। और वो चौथा बंदर पोल पर चढ़ा। आप कल्पना कीजिए कि तीन बंदरों ने क्या किया होगा। एक्सपेरिमेंट जो था वो तो मैं बताऊंगा आपको, पर आप कल्पना कीजिए कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तीन बंदरों ने उस चौथे बंदर को चढ़ने नहीं दिया ऊपर। अपनी भाषा में क्या बोला होगा, अरे हमारे एक्सपीरियंस की कदर तो कर। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, यही तो बाप बोल रहा है, यही तो बहन बोल रही है, यही तो चाचा बोल रहा है, यही तो पड़ोसी बोल रहा है, यही तो टीचर बोल रहा है कि अरे हमारे एक्सपीरियंस की कदर तो कर, और आपको चढ़ने नहीं देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब सोच बड़ी करोगे तो सबसे पहला बंदर शायद आपके आसपास ही हो, आपकी पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, बाप के रूप में हो, चाचा के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, मैं नहीं जानता हूं, पर सबसे बंदर पहला शायद आपके आसपास हो। बोलेगा अनुभव से कुछ सीख, अनुभव ये कहता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है और मीडियोकर लाइफ ही लिखी हुई है, और देख ले ट्रक के पीछे लिखा हुआ है समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। तो थिंक बिग इज द सोर्स, आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी, पर वो सोच जुड़ी हुई है पोटेंशियल के साथ, क्योंकि जब तक एहसास नहीं होगा कि मैं पैसे खर्च कर सकता हूं, मेरे जेब में पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड है, तब तक आप फाइव स्टार की सोच कहां से लाओगे। तो थिंक बिग, आपने एग्जाम्पल देखा धीरू भाई अंबानी जैसे बहुत लोगों का एग्जाम्पल है, अपने इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है कि इट इज पॉसिबल टू थिंक बिग, ऐसा पॉसिबल संभव है कि आप बड़ा सोचें और कर दिखाएं। जीवन का विजन और मिशन को क्लैरिफाई करना इतना आसान काम नहीं है। आप एक छोटा सा गैजेट खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, उसके साथ क्या आता है, मैनुअल। आपके साथ कोई मैनुअल आया था? आप जब पैदा हुए थे कोई मैनुअल आया था? तो इंसान के साथ कोई मैनुअल नहीं है। छोटा 50-100 हजार रुपए की चीज खरीदो तो मैनुअल आता है। चूंकि इंसान के साथ कोई मैनुअल नहीं आता, तो हर पेरेंट अपनी अपनी तरह से उसको चलाता है।
तो विजन और मिशन की बात जो मैंने की है तो वो आसान है करना, लेकिन उसको आपको लिखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने एक छोटा सा तरीका बताया है कि जीवन को आप 6 टुकड़ों में बांट लो। मनोज मित्तल जी ने बोला था कि 6 टुकड़े, 6 आयाम, 6 डायमेंशन में बांट लो और उसको जीवन को एक पहिए की तरह देखो, जिसके हब सेंटर में जहां एक्सेल पकड़ा हुआ है उस पर 3 डायमेंशन है जिस पर आपका कंट्रोल है, वो है बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों पर आपका पूरा कंट्रोल है। और रिम की तुलना हम करते हैं, जो पहिया का आउटर पोर्शन होता है उसकी तुलना करते हैं हम, आपका प्रोफेशन, व्यवसाय, करियर, बिजनेस 1, आपकी फैमिली 2 और आपका समाज, सोसाइटी 3। तो 6 टुकड़ों में जब बांटोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर टुकड़े का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है उसमें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाकी कुछ कर पाओगे, मन स्वस्थ रहेगा और विकसित रहेगा तो कुछ कर पाओगे, अगर सोल, आत्मा, सुपर सोल, परमात्मा से कनेक्टेड रहेगी तो अच्छी इंट्यूटिव डिसीजंस आ पाएंगे, अगर फैमिली अच्छी है, कोऑर्डिनेटेड है, अच्छे रिलेशनशिप हैं, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन है तो आपका बैलेंस हो जाएगा लाइफ। तो मनोज मित्तल जी ने शुरू शुरू में बताया कि बैलेंस द होल लाइफ, क्योंकि हैप्पीनेस डज नॉट कम बाय इम्बैलेंस। आप सिर्फ एक ही डायमेंशन में गोल बनाते जाएं और बोले मैं सिर्फ धंधा धंधा, व्यापार 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 व्यापार, और अगर रिलेशनशिप, सोसाइटी, बॉडी, माइंड को नेग्लेक्ट करें तो आपको किसी दिन बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ सकती है, बहुत बड़ा उसमें आपको पेनल्टी लग सकती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ को पूरा जियो, फुलफिलमेंट होना चाहिए। लाइफ को वर्षों से मत नापिए, उन वर्षों में कितनी जान है उससे नापिए आप उसको। हम वर्षों से नापते हैं, उस वर्ष का क्या फायदा है जिसमें कि जीवन में मजा ना हो। और एंजॉयमेंट ओनली कम्स, जैसा मैंने पहले बताया, जब आप एफर्ट में एंगेज होते हो। तो लाइफ को जब हमने 6 हिस्सों में बांटा, और ये एक पिक्चर है, ये इंसान है, इसका नाम है एडमंड हिलेरी, नाम सुना होगा आपने, 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहला इंसान है ये। 1952 में इसने पहला अटेम्प्ट किया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये और एक तिब्बतन इंडियन पार्टनर था जेंग जोंगपा, इन दोनों ने पहली बार, 1952 से पहले माउंट एवरेस्ट इम्पॉसिबल समझा जाता था, 1952 से पहले माउंट एवरेस्ट इम्पॉसिबल समझा जाता था, ऐसा माना जाता था कि इस पर इंसान नहीं चढ़ सकता है। सबसे पहले चढ़ने वाला इंसान यह था 1952 में एडमंड हिलेरी, जिसको बाद में सर की उपाधि दी गई थी और बोला गया सर एडमंड हिलेरी, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का नागरिक। 1952 में जब यह असफल हुआ और वापस आया तो इसका सत्कार किया गया लंदन में, और सत्कार में पीछे इस तरह का पोस्टर था जिसमें हिमालय बना हुआ था, और इसको बोला गया कि आप आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अनुभव बताइए। तो ये जाकर स्टेज पर खड़ा होकर इसने ऑडियंस की तरफ नहीं देखा, इसने सिर्फ हिमालय की तरफ देखा और सिर्फ 3 लाइनें बोली। पहली लाइन थी, माउंट एवरेस्ट तूने मेरे को इस साल हरा दिया। दूसरी लाइन थी, पर अगले साल मैं तुझे हराऊंगा। तीसरी लाइन थी, क्योंकि तेरा बढ़ना बंद हो चुका है पर मेरा पोटेंशियल अनलिमिटेड है।